नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 20 मिनट 20 खबरें। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है। जनता को 2024 के चुनावों से पहले पहली रैपिड रेल का दिवाली तोहफा दिया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से इस रेल सेवा का उद्घाटन किया। पीएम ने हरी झंडी दिखाकर इस रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई रवाना किया, जो पहले चरण में साहिबाबाद से दुहाई के बीच 5 स्टेशन के बीच दौड़ेगी। पीएम ने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके ट्रेन का पहला टिकट खरीदा। बता दें कि देश की पहली नमो भारत ट्रेन को महिला पायलट चला रही है। इस ट्रेन में बैठकर पीएम मोदी ने साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कुल 34 किलोमीटर का सफर तय किया। ये रैपिड एक्स रेल 21 अक्टूबर से आम लोगों के लिए भी शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन को नमो भारत नाम दिया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। रैपिड एक्स यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये पूरा नेटवर्क दिल्ली से मेरठ के बीच करीब 85 किलोमीटर में फैलेगा। इसके जनवरी 2025 तक पूरे होने के आसार हैं। इन आग की लपटों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आग से इस ट्रक चालक को कितना नुकसान हुआ होगा। तस्वीरें धार से हैं, जहां पर मनावर में एक खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। जरा सी आग ने कब विकराल रूप ले लिया कुछ पता नहीं चला। आग बढ़ती गई और सुखद हादसे में एक युवक की जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मनावर के टोंकी रोड पर स्थित एक सर्विस सेंटर पर ये ट्रक खड़ा हुआ था। इस ट्रक की छत पर एक युवक खड़ा था। युवक छत पर कोई काम कर रहा था, तभी युवक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हाई टेंशन विद्युत लाइन से टच होने के कारण युवक झुलस गया। ट्रक में भी आग लग गई। हाई टेंशन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मनावर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इसके बाद पहले तो आग पर काबू पाया गया, वहीं मनावर थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उज्जैन जिले की उन्हेल तहसील में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सब्जी मंडी में दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। मोटरसाइकिल टकराने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी। किसी ने अफवाह फैला दी। इकट्ठा हुए लोगों ने उन्हेल थाने का घेराव किया, लेकिन आचार संहिता लगी है और ऐसे में धरना प्रदर्शन और जुलूस जैसे आयोजन पर पुलिस प्रशासन सख्ती रखता है। इसके बावजूद भी इतने लोग थाने पर इकट्ठा हो गए। आखिरकार पुलिस को बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए भीड़ को हटाना ही पड़ा। इसके बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई, थाने का घेराव किया गया। साथ ही साथ पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करा, भीड़ को इधर उधर किया। वहीं दोनों पक्षों को बिठाकर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। सब्जी मंडी में हुए इस विवाद के बाद लोग वहां से भागते हुए भी नजर आए। नवरात्रि के इस त्योहार में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त जमकर गरबा करते हुए नजर आते हैं। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। साथ ही गरबा में देखने को ये भी मिल रहा है कि पहले जहां लोग शांति के साथ गरबा करते थे, आजकल गरबा गीतों की जगह बॉलीवुड गानों पर डांस करने का चलन हो गया है। ये लगभग हर पंडाल में ही देखने को मिल रहा है। रायपुर में भी फिल्मी गानों पर गरबा रास हो रहा था, तभी बजरंगियों का बवाल देखने को मिला। गुड़ियारी में मारुति मंगलम भवन के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। गरबा में बज रहे फिल्मी गीतों को बंद कराने की मांग उठी। इतना ही नहीं, बजरंगियों ने रात 10 बजे गरबा बंद करने की बात कही और तो और ये भी कहा कि अगर गरबा में आने वाले लोगों का आधार कार्ड देखा जाए तो ही उन्हें एंट्री मिले। तो वहीं मारुति मंगलम भवन में माहौल गड़बड़ाता हुआ दिखा तो पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सभी को खदेड़ना शुरू किया गया। देश भर में नवरात्र का त्यौहार पूरे जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हर जगह गरबा नृत्य की धूम देखने को मिल रही है। आगर मालवा से नवरात्र के मौके पर एक बेहद ही मनमोहक तस्वीर देखने को मिली। छोटे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में, किसी ने काली का रूप लिया तो किसी ने शक्ति का, कोई शिव का त्रिशूल लिए चल रहा है तो कोई हनुमान बन सबकी रक्षा के लिए तैनात है। ये नजारा देखने को मिला आगर मालवा जिला मुख्यालय की सड़कों पर। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त विशाल चुनर यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि तुलजा भवानी मंदिर तक विशाल चुनर यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं का जोश भी देखने को मिला। बता दें कि यात्रा में महिलाएं सुंदर कपड़े और गहनों में माँ के लिए चुनर लेकर निकली थी और इस दौरान कई सारे बच्चे भी नजर आए। हर कोई सजा हुआ था। बालिकाएं आकर्षक वेशभूषा में गरबा नृत्य करते हुए यात्रा में शामिल हुई। 51 मीटर लंबी इस यात्रा में भक्तों की भक्ति देखने को मिली। यात्रा में आकर्षक झांकियां भी शामिल रहीं। भगवान की कैसी है ये माया, इन तस्वीरों को देखकर तो आप यही कहेंगे। भगवान के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप ट्रक से टकरा गई।
बताया जा रहा है कि कोरबा जिले के चैतुरगढ़ से माता का दर्शन कर श्रद्धालु बिलासपुर के अमेरी लौट रहे थे। अचानक पिकअप एक तेज आवाज के साथ ट्रक से टकरा गई और फिर सुनाई देती है एक दिल दहला देने वाली चीख। एक पल में श्रद्धा में डूबे श्रद्धालु माता की जगह चीखने लगते हैं। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में 22 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें इलाज के लिए मौके पर पहुंची बिलासपुर पुलिस ने श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करवाया। ये पूरी घटना रतनपुर बाईपास के पास हुई है। जानकारी मिलने पर सीएमएचओ ने मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए अस्पतालों में इलाजरत मरीजों का जान हाल जाना, पुलिस को गंभीरता से जांच के आदेश दिए हैं। आपको सड़क पर पलटा ये ट्रक दिख रहा है? ये वही ट्रक है जिसके नीचे ढाबे में काम करने वाले दो कर्मी फंस गए थे। हुआ ये कि पेंड्रा के करियाम में साहू ढाबा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ढाबे के ऊपर पलट गया। ढाबा के अंदर दो कर्मी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक एक तेज आवाज आती है। आसपास के लोग दौड़ते हुए आते हैं। आखिर हुआ क्या? पता चलता है कि ट्रक के नीचे दो कर्मी दब गए और घटना के तुरंत बाद ड्राइवर मौका पाकर भाग गया। ना लोगों को बुलाता है, ना ही पुलिस को सूचित करता है। वो बस अपनी जान बचाकर लोगों को दबे मरने के लिए छोड़ देता है। जब स्थानीय लोगों ने ढाबे के पास एक ट्रक को पलटा हुआ देखा तो इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों दबे हुए ढाबा कर्मियों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मी एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। जय माता दी। नवरात्र में इन दिनों हर गली से हर मोहल्ले से यही जयकारे सुनाई दे रहे हैं। माता की भक्ति में भक्त इस कदर लीन है कि जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं। डांडिया भजन कीर्तन करके माता को प्रसन्न किया जा रहा है। नवरात्रि का छठवां दिन आज है। माता के भक्त अपनी मां के आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में बड़ी कतारों में पहुंचे हैं। एमपी के मैहर वाली मां का सिंगार देखने के लिए भी भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। माता कात्यायनी के रूप में हुआ आज मैहर माता का श्रृंगार। विंध्याचल के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मैहर माँ शारदा देवी आज इसी भव्य श्रृंगार में दर्शन दे रही है। देश भर से हजारों की तादाद में देवी भक्त माता के दिव्य दर्शन के लिए आ रहे हैं, आरती में शामिल हुए हैं। आरती के बाद जय माता दी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। भक्त अपनी परेशानियों के निवारण के लिए माँ के सामने प्रार्थना करते हुए नजर आए। पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग में केंदा घाटी के पास एक बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। एक यात्री की मौत तक हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से दुर्ग जा रही नरेश बस के ड्राइवर की केंदा घाट में बस पर से अपना नियंत्रण खो चुका था और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में बस में सवार 25 यात्री घायल हुए हैं और एक यात्री की मौत हो गई है। पूरा मामला बिलगहना चौकी क्षेत्र का है। बिलगहना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को कोट और बेलगहना की अस्पताल में भिजवाया जा रहा है। बता दें कि इस रूट पर चलने वाले नरेश ट्रैवल की बस लगातार इसी घाटी पर दुर्घटनाग्रस्त होती आ रही है। इसके बावजूद ट्रैवल संचालक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। कुछ समय पहले भी इसी कंपनी की बस बंजारी घाट में पलटने का मामला सामने आया। ओवरलोड और प्रतिस्पर्धा के चलते लापरवाही के कारण इस रोड पर रोजाना ही बस और ट्रक के पलटने के हादसे होते हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर नवरात्रि में गरबा खेल रही संस्थाओं के द्वारा गरबा खेलने आ रहे लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोई अपने मंच से पोस्टर लगाकर मतदान करने की अपील कर रहा है, वहीं ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की जा रही है। गरबा खेल रही युवतियां गाने के माध्यम से मत का उपयोग करना और ऑनलाइन मतदान करने को लेकर गाने की धुन पर मत का उपयोग करने का तरीका भी बता रही हैं। गाने के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करती और अपील करती हुई दिखाई दे रही युवतियां गरबा भी खेलती हैं। फिल्म के गाना मैं तो भूल चली के रीमिक्स पर गरबा कर रही है। गाने के बोल इस प्रकार है, मैं तो देने चली अपना वोट, मतदान मुझे प्यारा लगे। 5 सालों में आता एक बार वोटिंग का दिन प्यारा लगे। उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर उन्हेल तहसील में अखिल भारतीय धाकड़ युवक संघ द्वारा ये गरबे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अनोखे तरीके से गरबा लड़कियों को खिलवाया जा रहा है।
भीषण सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला ये वीडियो कर्नाटक के मंगलुरु का है। मौत बनकर आई इस कार ने सड़क किनारे फुटपाथ पर चल रही 5 महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि 4 अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। लेडी हिल इलाके के पास हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मंजर को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क पर बाइक और 3-4 महिलाओं का ग्रुप फुटपाथ से जा रहा था, तभी पीछे से मौत बनकर आती है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर महिलाओं को जबरदस्त टक्कर मारती है। जोरदार टक्कर के बाद महिलाएं सड़क पर ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती हैं। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान महिलाएं चीखती चिल्लाती रहीं, लेकिन ड्राइवर उन पर कार चढ़ाने के बाद फरार हो गया। टक्कर इतनी भयानक होती है कि महिलाएं कई फीट हवा में उछल जाती हैं। इसके बाद कार आगे बढ़ाते हुए कमलेश 2 और लोगों को कुचलते हुए निकल जाता है। लाल, पीली, हरी और गुलाबी साड़ी में गरबा कर रही महिलाओं की ये तस्वीरें किसी गली, मोहल्ले या सोसाइटी की नहीं है, दफ्तर की है। वीडियो में महिलाओं के अलावा कुछ लड़कियां और पुरुष भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहस का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडियो मुंबई के एक बैंक का है। कहा जा रहा है कि वीडियो एक्सिस बैंक के ऑफिस का है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि ऑफिस में कोई कैसे गरबा कर सकता है। आपको बता दें कि त्योहारों में अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं। इसमें नजर आ रहा है कि ऑफिस के स्टाफ कितनी उमंग और उत्साह के साथ इस पल को जी रहे हैं, गरबे का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग मराठी भाषा में बात करते हुए भी सुने जा सकते हैं, जो गुजरात का पारंपरिक नृत्य गरबे का लुत्फ उठा रहे हैं। मामला चूंकि बैंक से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस पर राजनीति भी हो रही है। बहरहाल सोशल मीडिया पर इन्हें कई सारे यूजर्स ने जवाब भी दिया। किसी ने लिखा, ये एम्प्लॉय एंजॉयमेंट एक्टिविटी का हिस्सा है। तो किसी का कहना है कि एक काम से हटकर कुछ हल्के फुल्के पल बिताने का मोटिवेशन है, इसमें राजनीति खोजना गलत है।